ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल काफी लेट हो गया, सॉरी, मौसम ठीक नहीं था एंड नेटवर्क भी थोड़ा इशू था, प्रॉब्लम बट कोई नहीं, फाइनली स्टार्ट करते हैं. डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ अ स्टेटमेंट, अ सेकेंडरी सोर्स इज नॉट एज रिलायबल एज प्राइमरी सोर्स. ये टॉपिक हमारा MCO 22 का है, ठीक है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल डिसीजन. MCO 22 एक प्रैक्टिकल पेपर है. प्रैक्टिकल एज इन थोड़े बहुत ही क्वेश्चन प्रैक्टिकल के आएंगे, क्योंकि इसका जो प्रीवियस दो जो एग्जाम्स हुए हैं, दो तीन एग्जाम्स हुए हैं, इसमें आपका जो है थ्योरेटिकल पोर्शन को इन लोगों ने ज्यादा टच किया, तो थ्योरेटिकल हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे इस चीज में. एंड मास्टर्स के लेवल पे उस लेवल का जो है मैथमेटिक्स हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इसलिए ये लोग वैसा देते नहीं है. मैथमेटिक्स तो नहीं देते हैं, स्टैट्स का थोड़ा बहुत पोर्शन देते हैं, और जो हम MCO 5 का पेपर है उसमें थोड़ा बहुत जो है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम लोगों ने 11th 12th में किया हुआ होता है, कॉलेज में जो हम लोगों ने किया हुआ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, वो रहेगा थोड़ा बहुत ही रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा. तो वही हमारा MCO 22 है ये, ठीक है? मैं PDF इसका शेयर कर दूंगा नहीं तो क्लास होने के बाद, एंड इट विल हेल्प यू टू फर्दर स्टडी, बट फिलहाल लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो स्टेटमेंट है, अ सेकेंडरी सोर्स इज नॉट एज रिलायबल एज प्राइमरी सोर्स, इसी को जस्टिफाई करना है. तो बात सही है, प्राइमरी सोर्स जो होता है वो एकदम ही रॉ डेटा होता है. अब जब आप सर्वे करने जाओगे, रिसर्च करने जाओगे, तो जो प्राइमरली जो चीजें आप अपने पास इकट्ठा करोगे वो रॉ डेटा होगा. अब उस डेटा को आपको प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट रॉ डेटा जो होता है वो हमेशा उसको रिलायबल इसलिए माना जाता है क्योंकि जो सेकेंडरी सोर्स होता है, सेकेंडरी सोर्स का मतलब है एक ऐसा डेटा जो कि ऑलरेडी कहीं यूज हो चुका है. मतलब रॉ डेटा में क्या हो गया, प्राइमरी डेटा में क्या हो गया कि आपने खुद से रिसर्च किया तो आपको एक डेटा निकल करके आया, उसके बेसिस पे फिर आपने अपना टेबल बनाया या फिर जो भी आपका जो आउटकम निकला वो निकला. सेकेंडरी डेटा में ये होता है कि आप आउटकम निकला हुआ कहीं ऑलरेडी है, आप उसका इस्तेमाल अपने रिसर्च में कर रहे हो, अपने स्टडी में आप कर रहे हो, बिजनेस में आप कर रहे हो, ठीक है? तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया बिकॉज द डेटा दैट यू आर यूजिंग इज हैज बीन ऑलरेडी बीन यूज बाई समवन एल्स और मेड बाई समवन एल्स, इस तरीके से. और प्राइमरी सोर्स जो होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है. और एक बात और है कि प्राइमरी जब भी आप रिसर्च करने जाओगे तो आप हमेशा करंट डेटा को अपने हाथ में रखने की कोशिश करोगे ताकि आपको जो करंट सिनारियो है बिजनेस का वो आपको समझ में आए. सेकेंडरी सोर्स हमेशा पुराने डेटा के ऊपर होता है, तो इसलिए वो भी एक रिलायबल चीज नहीं है, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है? तो इन्हीं सब इसी लाइन को एक्चुअली जस्टिफाई करने के लिए काफी सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे एक एक करके बताए गए हैं, हम लोग एक एक करके उन सबको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. द स्टेटमेंट इज सेकेंडरी सोर्स इज नॉट रिलायबल इज प्राइमरी सोर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है? लेकिन ये हमेशा भी सही नहीं है. अब ऐसा नहीं, अब देखो कोई काम अगर तुमको तुरंत करना है, कोई डिसीजन मेकिंग जैसे प्रोसेस होता है, कई बार बिजनेस में ऐसा देखने को मिलता है कि अचानक से कोई डिसीजन आपको लेना है. अब उस टाइम पे अगर आप रिसर्च करने जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा आपके पास, रिसर्च करने जाएंगे टाइम लगेगा, पैसा खर्च होगा आपको, और भी तरह के रिस्क लेने पड़ेंगे. अगर आप सही टाइम पे डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी. तो वो सारी चीजों को देखते हुए कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सेकेंडरी डेटा को ही रिलायबल मान करके, उसको ही सही मान करके या उसके ऊपर डिपेंडेबल हो करके हम लोग डिसीजन वगैरह ले लेते हैं. अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका डिसीजन का जो आउटकम होगा वो गलत ही होगा, सही भी हो सकता है या बेहतर ही भी हो सकता है, ये बहुत ही कंटिजेंसी वाला चीज हो जाता है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे जो बात बोली गई है कि हमेशा रिलायबल नहीं होता है वो एकदम से सही नहीं है. बट एक चीज है, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या क्या बोलूं, अगर आपको उस चीज के बारे में आइडिया नहीं है जिस चीज का आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, मार्केट के बारे में आपके पास आइडिया नहीं है, तो बेटर ये होता है कि आप खुद ही से सारा रिसर्च करें और चीजों को समझने की कोशिश करें. अगर आप बाहर से रिसर्च जो ऑलरेडी हो चुका है, जो सेकेंडरी डेटा है, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें जो आप सीखते जब आप प्राइमरी सोर्स का इस्तेमाल करते वो चीजें आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि तो आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम होगी. लेकिन हाँ, सेकेंडरी डेटा रिलायबल नहीं होता प्राइमरी डेटा के मुकाबले, ये थोड़ा सा गलत है. मतलब ये सही नहीं है ये बोलना कि एकदम ही रिलायबल नहीं होता है, रिलायबल होता है, ठीक है ना? अभी बात बोली गई है, दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. द रिलायबिलिटी ऑफ अ सोर्स डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है उसकी रिलायबिलिटी डिपेंड करती है, इंक्लूडिंग क्रेडिबिलिटी, किसने तैयार किया है, कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा अगर कुछ रिसर्च कर रहा है तो उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे, तो
पर अगर कोई बड़ी कंपनी है जो कि इसी फील्ड में है, रिसर्च वाले फील्ड में है, और उसने अगर कोई रिसर्च करके निकाला है, तो डेफिनेटली आपको उसकी उसकी वैल्यूज को उसको आपको मानना पड़ेगा, राइट? जैसे अभी रिसेंट में एक बहुत ही बड़ा एक चीज हुआ था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का आपने नाम सुना होगा, अडानी का जो केस हुआ था, उसमें हिंडनबर्ग जो है उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जहां पे ये बताया गया था कि वो लोग शॉर्ट सेलिंग, वो लोग तो हालांकि शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, ये लोग अपने ही परिवार के लोगों से अपने ही शेयर्स को खरीदवा रहे थे ताकि उनका जो शेयर का वैल्यू है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहे और लोगों का भरोसा जो है शेयर के ऊपर बना रहे। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आता है, मार्केट क्रैश कर जाता है, इनका जो मार्केट जो शेयर प्राइस था वो अचानक से काफी नीचे गिर गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो हिंडनबर्ग है उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, हालांकि उसका काम शॉर्ट सेलिंग का है, उसका काम यही है कि मार्केट में पैनिक क्रिएट करके, पैनिक के कारण जो लोग बेचना बेचना शुरू कर देते हैं, उसके कारण से जो है शेयर का प्राइसेस जो है रिड्यूस होने लगता है, तो वो लोग शॉर्ट सेलिंग करने की कोशिश करते हैं वहां पे, है ना? बेच के पहले रख देते हैं, बाद में खरीदते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो ये भी जरूरी है कि आपका जो सोर्स है वो क्या है। अगर आपका सोर्स सही नहीं है तो फिर जो आपका डेटा है वो रिलायबल नहीं होगा, तो उसकी क्रेडिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी, उसकी एक्यूरेसी आपको चेक करनी पड़ेगी, कितना एक्यूरेट है। हो सकता है कि डेटा इधर उधर का हो, एक्यूरेट डेटा ना हो, तो उस डेटा के बेसिस पे अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो आपका डिसीजन जो है वो उल्टा पड़ जाएगा, है ना? तो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी एक्यूरेसी, उसका रिलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो कितना रिलेवेंट है। आप रिसर्च सपोज ये कर रहे हो कि गोल्ड का जो है हमारे पास कितना है इंडिया के पास स्टॉक, और जो उसमें डेटा है उसमें गोल्ड और सिल्वर और जो भी प्रीशियस मेटल्स हैं वो भी उसमें इंक्लूडेड है, तो वो डेटा आपके लिए क्या रिलायबल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि तो आप डेट गोल्ड का कर रहे हो, आपको गोल्ड का चाहिए था, वहां पे अगर मिक्स किया हुआ रहेगा सारा चीज और बाइफोर्केट किया हुआ नहीं रहेगा तो फिर आपको वो डेटा आपके लिए रिलायबल नहीं होगा। तो डेटा जो है वो रिलेवेंट भी होना चाहिए रादर देन सोलली ऑन वेदर इट इज अ प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के ऊपर ही आपको भरोसा करना है। डेटा अगर आपके पास क्रेडिबल है, एक्यूरेसी वाला है और रिलेवेंट है, तो सेकेंडरी सोर्स भी रहेगा तो वो चलेगा। लेट्स एक्सप्लोर द वैलिडिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे विद द फर्स्ट पॉइंट व्हिच सेज प्राइमरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज एकदम रॉ सोर्सेज होती हैं, मतलब ऐसे सोर्सेज जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, ऐसे चीजें जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, आप उसका पहली बार यूज कर रहे हो, जो डेटा निकल करके आ रहा है वो भी पहली बार है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से कुछ आइडिया है, आपको कुछ भी नहीं पता, आप एकदम मार्केट में जा करके खुद से सर्वे कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो और वहां से आप डेटा निकाल करके ला रहे हो। दैट इज प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट हैंड अकाउंट्स, है ना? फर्स्ट हैंड अकाउंट्स और ओरिजिनल डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से डायरेक्टली कलेक्ट किया गया जो डेटा होगा उसको ओरिजिनल डेटा हम लोग बोलेंगे। दे कैन इंक्लूड ओरिजिनल रिसर्च स्टडीज, यहाँ पे देखो ओरिजिनल रिसर्च स्टडीज हैं, इंटरव्यूज हैं, सर्वेज हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं। ओरिजिनल मतलब एज इन जो चीजें चल रही हैं वो उनके बारे में उनके पास जो है डॉक्यूमेंटेशन है, ये सेकेंडरी डेटा नहीं है, जो चीजें ऑनगोइंग है उसके बारे में उनके पास है। ऑब्जर्वेशन से आप डेटा इकट्ठा कर सकते हो, ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट होते हैं उससे डेटा इकट्ठा किया जा सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट टूल्स जिसका इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च में, और इन्हीं टूल्स के इस्तेमाल करने के बाद जो डेटा आपका निकल करके आता है वो आपका रॉ डेटा होता है, प्राइमरी डेटा होता है। सिंस प्राइमरी सोर्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, प्राइमरी सोर्स क्या करता है आपको डायरेक्ट जो है एक तरीके से आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन का। सेकेंडरी डेटा ना हमेशा देखना उसमें टेबल बनाया हुआ रहेगा, वहां पे ऑलरेडी काट छांट किया हुआ रहता है, जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही इंफॉर्मेशन निकला हुआ रहता है। हाँ, सेकेंडरी वाले में तो वहां पे जो है आपको ओरिजिनल चीजें नहीं मिलने वाली हैं, तो जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होता है अगर वो आपको चाहिए तो उसके लिए आपको प्राइमरी सोर्स का ही यूज करना पड़ेगा। तो ये वहां से पता चल गया, आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। दे आर ऑफन कंसिडर्ड हाईली रिलायबल, बोला गया यहाँ पे कि उसको जो है सबसे ज्यादा रिलायबल माना जाता है। हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्राइमरी सोर्स कैन स्टिल हैव लिमिटेशंस। हालांकि इसके होने के बावजूद, रिलायबल होने के बावजूद, उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का हिंदी क्या होगा, कुछ लिमिटेशन हानियां बोल सकते हो, हानि, ठीक है, उसका डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस हैं और बायसेस। अब देखो बायस भी डेटा होता है, आप अगर किसी एक चीज की तरफ आपका झुकाव ज्यादा है तो आपका जो डेटा निकल करके आएगा वो बायस होगा, आपको न्यूट्रल होकर के रिसर्च करना है। हालांकि प्राइमरी सोर्स में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो डेटा है वो थोड़ा सा बायस होता है,
बायस डिपेंडिंग अपॉन द मेथोडोलॉजी यूज्ड, किस मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी का यूज हुआ है। बहुत सारे मेथोडोलॉजी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक पूरा का पूरा चैप्टर है MCO 3 का, वो आपका हालांकि सेकेंड ईयर में है, इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे, अगर आएगा तो वो फिर मैं कराऊंगा। सो किस मेथोडोलॉजी का यूज हुआ है, उसके कारण से द क्वालिटी ऑफ डेटा कलेक्शन, जो आपका डेटा कलेक्शन का क्वालिटी है वो किस तरीके का है, मतलब आपने अगर खुद से किया है तो आप बहुत अच्छे से करोगे, अगर आपने किसी से करवाया है तो हो सकता है वो फांकी मार गया हो सकता है वो डेटा खुद से कुछ ना बड़ा कुछ हाथों से बैठा करके बस चला गया हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो डेटा है वो थोड़ा बायस होता है, हो सकता है किसी को किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ वहीं के लोगों के बारे में लिख रहा हो, है ना, ये भी देखने को मिलता है। और द पोटेंशियल फॉर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिसर्चर, यही वही रिसर्च वाली ही बात की बोली गई है, कैसा देखने को मिलता है कि जो डेटा होता है वो समटाइम्स बायस होता है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्राइमरी सोर्सेज एज अ रिलायबल सोर्स। रिलायबल तो है लेकिन एट द सेम टाइम देर आर सम लिमिटेशंस एज वेल, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। ठीक है, नाउ सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स जैसा कि मैंने बताया, प्राइमरी सोर्स को तैयार होने के बाद, प्राइमरी सोर्स आपके पास आ गया, उसको आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद वहां से कुछ डेटा इंफॉर्मेशन आपके पास निकल करके आया, कुछ टेबल आपके पास निकल करके आया, तो वो जो इंफॉर्मेशन आपके पास बना है पहले जो था वो डेटा था, डेटा से प्रोसेस होकर के वो इंफॉर्मेशन बन गया, जब आप इंफॉर्मेशन का यूज करोगे तो वो आपका सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। सेकेंडरी सोर्स आर क्रिएटेड बाय समवन हु डिड नॉट डायरेक्टली एक्सपीरियंस और कंडक्ट द रिसर्च। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स एक्चुअली वो लोग क्रिएट करते हैं जो कि डायरेक्टली रिसर्च नहीं कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने बोला अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आप प्राइमरी सोर्स का ही यूज करोगे, पर अगर आप किसी के रिसर्च का यूज कर रहे हो तो फिर वो डायरेक्ट तो वो जो है सेकेंडरी सोर्स कहलाए। दे आर बेस्ड ऑन द एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, क्या क्या चीजें हैं, अभी जो डेटा है वो किस चीज के ऊपर आता है, एनालिसिस के ऊपर आता है, इंटरप्रिटेशन के ऊपर आता है, ये वो सारे टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल होता है डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में। डेटा हमारे पास रॉ था, उसमें से इंफॉर्मेशन निकला है, इंफॉर्मेशन आप कैसे निकालेंगे, आप उसको एनालाइज करेंगे, आप उसको इंटरप्रेट करेंगे एनालाइज और करना सिंथेसिस, हाँ एक तरीके से उसका ऑपरेशन करना तो वो सारी चीजें आपको जो है वहां पे राइट करनी है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोर्स इंक्लूड रिव्यू आर्टिकल्स, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, रिव्यू आर्टिकल्स जो आर्टिकल्स हैं उसको रिव्यू किया हुआ है, रिव्यू करना है, टेक्स्ट बुक ऑलरेडी है आपको उसके ऊपर रिसर्च करना है, लिटरेचर रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस हालांकि थोड़ा टेक्निकल हो जा रहा है, ये वेबसाइट में काफी इस्तेमाल होता है तो वो चीज है। द रिलायबिलिटी ऑफ सेकेंडरी सोर्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द एक्सपर्टीज रेपुटेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑथर और रिसर्च। ठीक है, तो सेकेंडरी सोर्स का रिलायबिलिटी कंप्लीटली जो है एक्सपर्टीज, किसका कितना एक्सपीरियंस है ना, कौन कितना एक्सपर्ट है किसी मामले में, उसके रेपुटेशन और उसकी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर जो है काफी ज्यादा डिपेंडेंट होता है। अगर आपको सेकेंडरी सोर्स का इस्तेमाल करना है तो आपको पक्का ध्यान देना पड़ेगा कि सेकेंडरी सोर्स का जो सोर्स है जहां से वो चीजें इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो कितना रिलायबल है, कितना सही है, अगर नहीं होगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। हाउएवर वेल रिसर्च एंड पीयर रिव्यूड सेकेंडरी सोर्स कैन बी हाईली रिलायबल एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट स्पेशली वेन दे आर बेस्ड ऑन द कॉम्प्रीहेंसिव एनालिसिस ऑफ मल्टीपल प्राइमरी सोर्स। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात बोली जा रही है, कोई वेल रिसर्च्ड अगर कोई चीज होगी जिसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च हुआ है, काफी ज्यादा किसी कोई एक टॉपिक ले लो बिल्कुल जिसके ऊपर काफी ज्यादा टाइम से रिसर्च चल रहा है ना, बहुत ज्यादा जो है उसके ऊपर रिसर्च हो चुका है, काफी जानकारी आपके पास ऑलरेडी, आपके पास नहीं है मतलब वर्ल्ड में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर काम कर दिया है, और वही उसी से काम रिलेटेड कोई टॉपिक या फिर करना वही टॉपिक अगर आपको मिल जाए और आपको पता रहे कि भाई इंटरनेट पर तो इसके लिए सारी की सारी जानकारियां अवेलेबल है, तो आपको जो है वो डेटा आपको सही मानना पड़ेगा। सही मानना क्या पड़ेगा, आप बोलोगे नहीं सही होगा, जब पूरी दुनिया में उस डेटा का यूज हो रहा है, वेल एस्टेब्लिश डेटा है तो वो तो रिलायबल होगा ही, वही बात यहाँ पे बोली गई है, वो बहुत ज्यादा हाईली रिलायबल होता है और वहां से हमें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंसाइट्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और वो जो डेटा होता है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत मतलब हो गया, काफी लंबे समय से चल रहा है और काफी सारा डेटा है। ठीक चल है, प्राइमरी सोर्सेस का काफी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस वो होता है। इट इज रहा है। इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिलायबिलिटी ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज शुड बी इवेल्युएटेड क्रिटिकली, दोनों को क्रिटिकली इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। क्रिटिकली मतलब एक तरीके से क्रिटिसाइज करने के उद्देश्य से आपको इवेल्युएट करना है, आपको गलतियां निकालनी है। ठीक है, जो गलतियां क्रिटिक्स होते हैं निकालना उनका काम होता है बात करना गलतियां निकालना, कितना अच्छा कर लो गलती तो निकालेंगे ही वो। ठीक है, राइट तो राइट वो चीज काट है। छाट करना
या तो क्रिटिकली आपको जो है इवेलुएट करना होता है दोनों को. द रिलायबिलिटी ऑफ एनी सोर्स रिगार्डलेस ऑफ इट्स टाइप शुड बी असेस्ड बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज, ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, जो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी ऊपर में किया था उसी चीज को यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से बताया गया है. पहला क्या है, क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑथर और सोर्स, ऊपर में हम लोगों ने किया था क्रेडिबिलिटी एक्यूरेसी है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने की थी, उसी को यहाँ पे फिर से बोला गया है कि अगर किसी भी डेटा का रिलायबिलिटी आपको चेक राइट करना है तो उसके लिए किन किन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं. तो इन फैक्टर्स को सर, यहाँ पे बोला गया है, क्रेडिबिलिटी के ऊपर ध्यान देना है कि कौन लिख रहा है, क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑथर कौन और लिख रहा है? सोर्स या उसका स्रोत क्या है, इज द ऑथर एन एक्सपर्ट इन द फील्ड, जो भी ऑथर है उस डेटा को लिखने वाला क्या वो एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, क्या वो अपने फील्ड में काफी सालों से काम कर रहा है, एक्सपीरियंस बंदा है तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपर्ट होगा, वो है कि नहीं है. इज द सोर्स रेप्यूटेबल एंड ट्रस्ट यस, वर्दी, जो सोर्स है क्या वो रेप्यूटेबल है, रेपुटेशन है मार्केट में ऑलरेडी, जैसे हिंडनबर्ग का नाम अगर आप लेंगे तो काफी फेमस एक संस्था है, अमेरिकन है लेकिन काफी फेमस संस्था है जो कि काफी टाइम से यही सब काम करती है, जो डेटा है उसको आप सही मान यस सकते हैं, तो रेपुटेशन उसका होना राइट, चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, भरोसे के लायक होना चाहिए. एक्यूरेसी के बारे में बोली गई है बात, एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन है क्या वो एक्यूरेट है, ऐसा तो नहीं कि ऐसे इंफॉर्मेशन डाल दिए गए हैं जो कि इररिलेवेंट है, जिसकी जरूरत आपको नहीं है लेकिन जबरदस्ती डाले हुए हैं, है ना. इज इट कंसिस्टेंट विद अदर रिलायबल सोर्सेस, क्या वो अदर रिलायबल सोर्सेस के साथ कंसिस्टेंट है, मतलब एक तरीके से मैच खा रहा है, मेल खा रहा है, पैरेलली चल रहा है कि नहीं, वो चीज हो गया. तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी एंड बायस, ऑब्जेक्टिविटी मतलब आपका जो उद्देश्य है, ठीक है ना, एक डेटा का इस्तेमाल कई सारे रीजन की वजह से हो सकता है, तो जो ऑब्जेक्टिविटी है जो रीजन है वो सही होना चाहिए, है ना, और बायस नहीं होना चाहिए. डज द सोर्स प्रेजेंट अ बैलेंस्ड व्यू, है ना, बायस नहीं होना है, आपको बैलेंस व्यू निकालना है, ठीक है, और इज देयर अ पोटेंशियल बायस, हाँ वो एक हो गया. चौथा पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी एंड मेथोडोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी तो होना ही चाहिए, अगर आप कोई डेटा छुपाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी होना है, आपको जो डेटा है अपना दिखाना है लोगों को, ऐसा नहीं कि छुपा करके रखना है, वही बात बोली गई, इज द मेथोडोलॉजी क्लियर एंड रिगोरस, जिस मेथोडोलॉजी का आपने यूज किया है क्या वो मेथोडोलॉजी क्लियर है और रिगोरस है, आपने उसी का इस्तेमाल कॉन्टिन्यूस किया है और बहुत ही हाईली इफेक्टिवली किया है, वो हो गया. दूसरा, आर देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्या यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब अराइज होगा तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, ठीक है, लोग अपना अपना इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे तो वो डेटा नहीं शो करना चाहेंगे जिस डेटा से उनका नुकसान हो, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी एंड मेथोडोलॉजी इज वन ऑफ द फैक्टर्स विच वी लुक अपॉन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रिलायबल सोर्सेस, ठीक है, समराइज कर लेते हैं. इन समरी द रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स शुड नॉट बी डिटरमाइंड सोल्ली बेस्ड ऑन वेदर इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी, तो यहां तक पढ़ के हम लोगों को यही समझ में आया कि प्राइमरी डेटा भी रिलायबल है, सेकेंडरी डेटा भी रिलायबल है, ठीक है, वही बात यहाँ पे बोली गई है कि किसी भी सोर्स की रिलायबिलिटी हम लोग इस बात पे नहीं डिटरमाइन कर सकते कि डेटा प्राइमरी है या सेकेंडरी, दोनों ही डेटा रिलायबल हो सकता है ना, वही बात बोली गई है कि किसी भी डेटा की रिलायबिलिटी, किसी भी सोर्स की रिलायबिलिटी इस बात पे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते वेदर इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, इस चीज पे हम लोग जो है डेटा को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है. बोथ टाइप्स ऑफ सोर्सेस कैन बी रिलायबल और अनरिलायबल डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, दोनों ही तरह के हो सोर्सेस रिलायबल हो सकते हैं या फिर अनरिलायबल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, सकते या कुछ ऐसा एक स्पेसिफिक कंडीशन बता दिया, अब उस कंडीशन में हो सकता है कि नहीं जो डेटा आपको रिलायबल लग रहा हो फिर अनरिलायबल, रिलेवल, कुछ द कंडीशन में नहीं भी क्वालिटी हो ऑफ सकता। इंफॉर्मेशन एंड द एक्सपर्टीज एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑथर्स और रिसर्चर्स, उसी बात को वापस से बोला गया है, इट इज एसेंशियल टू क्रिटिकली इवेल्युएट एंड क्रॉस रेफरेंस मल्टीपल सोर्सेज टू इंश्योर एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, ये बहुत जरूरी है, एसेंशियल है कि आप अपने डेटा को क्रिटिकली इवेल्युएट करें और क्रॉस रेफरेंस लें, है ना, रेफरेंस का यूज किया जाता है देखना, मतलब डेटा, एक डेटा कहीं और भी देखने को मिलेगा, किसी और वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, तो मैं उस वेबसाइट को भी चेक करूंगा, उस किताब को भी चेक करूंगा, तो क्रॉस वेरीफाई करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये क्वेश्चन अगर आया तो इसको जो है आपको डिटेल में इसी तरीके से बना करके लिखना होगा, राइट ठीक है, सर, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, नो सर, वी अंडरस्टूड। ठीक है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा एंड इफ पॉसिबल आई विल शेयर द पीडीएफ टू, और अगला यस क्लास होपफुली कल तो नहीं, कल तो 15 अगस्त है, मे यस बी सर, वेंसडे ठीक
वेंसडे, वेंसडे को देखता हूँ मैं, आपको बता दूंगा ठीक है। करने से हम लोग शाम में ही करेंगे लेकिन, ठीक यस वी आर फाइन सर। ठीक है देन। हाँ ओके आकांक्षा आर यू देयर और हेलो यस आकांक्षा आप हो? सर ओके ओके ठीक है ओके देन। यूट्यूब पे भी जाइए, यूट्यूब में भी आपको बहुत सारा मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, यूट्यूब भी साथ में दिखाता हुआ चलता हूँ कि कभी अगर मौका मिले तो आप यूट्यूब पे भी जा करके थोड़ा बहुत कंटेंट वॉच कर सकते हैं ठीक है। आपको यूट्यूब पे जाना है और टाइप करना है कॉमर्स ई पाठशाला, कॉमर्स ई पाठशाला वेबसाइट आ जाएगा हमारा वाला, स्टार्टिंग में ही है। और यहाँ पे देखो यस फर्स्ट एंड सेकंड सेम, आपको आप लोगों को दिख रहा है ना, यस इग्नू एम कॉम फर्स्ट एंड सेकंड सेम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो सारा का सारा जो आपका प्लेलिस्ट है MCO 1, 4, 5, 21, ये चारों पेपर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, और नीचे के जो हैं चार वो आपके सेकंड सेमेस्टर के, तो ये सारा का सारा यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, बहुत सारे टॉपिक का नहीं भी अवेलेबल है। जैसे जैसे हम लोग क्लासेस करेंगे मैं यस यहाँ पे ऐड करता चलूंगा, हालांकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा एकदम भी ऐड करने का, बट करूंगा इवेंचुअली। यस तो आप यहाँ पे भी आकर के, आपके पास टाइम रहे तो आप वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ कुछ वीडियोस काफी पुरानी है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको डिलीट करके फ्रेश अपलोड करूँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपके पास अगर राइट टाइम हो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं ठीक है। ओके सर ओके 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 देन ठीक है फिर, गुड नाइट, वी विल May meet on Wednesday. I'll tell about the classes on WhatsApp group. ठीक है? ओके Okay, सर sir. गुड Good नाइट। night. Okay ओके सर then. गुड नाइट। Bye bye. Good night.